बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। आज व्यूवर्स हम आलू गोश्त का सालन बना रहे हैं और ये रवायती खानों में शुमार किया जाता है। तो व्यूवर्स अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमारे मसाले हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से डालें। सॉल्ट, सुर्ख मिर्च, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी। लहसुन अदरक 2 चम्मच, प्याज 3 बड़े स्लाइस में कट कर लिए हमने, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च, टमाटर 3 बड़े ये कट कर लिए हमने, और ये हमारा घी है, आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, और ये हमारे 3 से 4 आलू हैं। गोश्त हमारा 500 ग्राम तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है और हड्डी वाला है। व्यूअर्स, हड्डी वाला गोश्त में ही पकाएं खाना, बहुत मज़े का इसकी यखनी बनती है गोश्त की। फ्लेम ऑन कर दिया है, पैन में घी डालेंगे, ज़रा सा मेल्ट हो जाए, प्याज डालेंगे, प्याज गोल्डन हो जाए, आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी, हमने घी डाला है। टमाटर जाएंगे इसमें, इसे थोड़ा सा भूनेंगे, सॉफ्ट हो जाए ये। लहसुन अदरक जाएगा इसमें, लहसुन टमाटर को और प्याज को, इन तीनों चीज़ों को खूब अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। मसाले डालेंगे, मसाले सब डाल दिए, इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे 2-3 बार, इसे पानी डाल डाल के 2-1 चम्मच डाल डाल के थोड़ा थोड़ा भूनेंगे, छींटे डाल के, ताकि मसाला हमारा अच्छा सा भुने और इससे टेस्ट वाइज बहुत मज़े का बनता है। इस प्रोसीजर से बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। जितना भूनेंगे हमारा आलू गोश्त का सालन बहुत मज़े का बनेगा। ये हम गोश्त डाल रहे हैं और इसे भी हम 4 से 5 मिनट, जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक हम इसे भुनेंगे। ये देखें हमारा गोश्त का कलर भी चेंज हो गया और गोश्त भी हमारा अच्छा सा भुन गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और 1 घंटा तकरीबन इसे हम पकाएंगे, गोश्त हमारा गल जाएगा, फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताऊंगी। अब इसका मैं लेड लगा दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे मैं कुक करूँगी। व्यूअर्स, मैंने गोश्त प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे जल्दी गोश्त गलाना था, और आप अगर देखी वगैरह में किसी और बर्तन में जैसे बनाना चाह रहे हैं प्रेशर कुकर के बगैर, तो आप बना लें, लेकिन उसमें ज़रा टाइम लग जाता है, अगर जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर में बना लें। तो मैंने सोचा प्रेशर कुकर में बना लूँ ताकि टाइम भी हमारा वेस्ट ना हो, और अगर आप सुकून से हैं, आपके पास टाइम है, तो आप बग़ैर प्रेशर के भी बना सकते हैं।
फ्लेम हमने अपना लो कर लिया है और हम दही इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे हम भूनते जाएंगे। हमारा गोश्त तकरीबन गल गया है, अब तकरीबन हमारा गोश्त भी भुन गया है और इसमें हम आलू डाल रहे हैं। आलू को हम 4 से 5 मिनट अच्छा सा भुनेंगे ताकि इसमें फ्लेवर जाए गोश्त का और मसालों का। अब ये देखें हमारा गोश्त आलू हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे 2 गिलास, आप अपने हिसाब से डालें, ये मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है। ग्रेवी बनाना है या हल्का भुना भुना बनाना है, किस तरह बनाना है ग्रेवी, हल्की ग्रेवी, तो मैंने पानी डाला है शोरबा, क्योंकि हम ये चावल के साथ खाएंगे, शोरबे वाला बनाया है। अब मैं इसे गलने के लिए इसका ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। हमारा गोश्त आलू पक गया है और तकरीबन ये हमारा डन है। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी, जो मसाले इसमें डालने हैं, गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च। गरम मसाला डालूंगी। ये देखें हमारा ग्रेवी हमने इतनी रखी है, आप अपने हिसाब से रखें। और बस 5 मिनट के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार है, जो देखने में इतना अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए दी हुई हौसला अफजाई है और किसी तोहफे से कम नहीं। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टा पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। चलें आप मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।